स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई हो। कल भी क्लब में एक छोटे रूप में सेलिब्रेशन हुआ था। मैंने उस समय भी ये बात उठाई थी और आज फिर आप सबके सामने ये बात उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता, हम किस चीज को स्वतंत्रता कहते हैं, किस बात को? हम 47 में देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज चले गए, क्या यही हमारी स्वतंत्रता है? अंग्रेजों की बेड़ियां खुल गई लेकिन किसी दूसरी बेड़ियों से हम जकड़े चले गए। हम स्वतंत्र होके हिंदुस्तान नहीं रहे। हम हिंदुस्तान के बदले उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, तमिल, महाराष्ट्रियन, गुजराती या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, एससी एसटी ये हो गए। एक शायद आप लोगों ने सबने देखी होगी, कोई शाहरुख खान की एक मूवी आई थी हॉकी के ऊपर, जिसमें वो हॉकी का कोच बनता है, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है, चक दे इंडिया। उसके अंदर जब वो लड़कियों को ट्रेनिंग करता है, देश के कोने कोने से जो अच्छे अच्छी प्लेयर्स चुन के जाती हैं, वो इंडियन टीम बन के कोई टूर्नामेंट अब्रॉड में खेलने जाती हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उस टीम की ट्रेनिंग के लिए उस पिक्चर में वो शाहरुख खान कोच होता है, वो उनकी ट्रेनिंग करता है। सबसे पहला प्रश्न पूछता है, आप कहां से? गुजरात। आप कहां से? तमिल। आप कहां से? उड़ीसा। आप कहां से? यूपी। सबके सबको वो उठा के कोने में खड़ा कर देता है, मेरे को इंडियन टीम चाहिए, मेरे को राज्यों की टीम नहीं चाहिए, मेरे को इंडियन टीम चाहिए। तब जाके उन लोगों के अंदर एक यूनिटी इकट्ठी होती है। तब जाके जिन लोगों ने वो मूवी देखी, ऑफ कोर्स इंडियन टीम वन एंड इट वाज अ जय हो, लाइक वी सांग यस्टरडे। पर कहने का मतलब ये है, क्या हमको यूनिटी मिली है 47 के बाद, जिसके लिए हम लड़े थे या हमारे पूर्वज लड़े थे, क्या वो यूनिटी हमने पाई है? वो यूनिटी अंग्रेजों के पहले भी नहीं थी, अंग्रेजों के टाइम पे, वो यूनिटी आज भी नहीं है। हम लोग डिवाइडेड होते चले गए, राज्यों का भी फर्दर डिवीजन हो के, जब हम जब पढ़ते थे चौथी पांचवी छठी क्लास में, उसमें 14 राज्य हुआ करते थे, 14 भी नहीं थे मेरे ख्याल में, 12 राज्य हुआ करते। और आज कितने राज्य मेरे को तो मालूम ही नहीं है, पता नहीं 29 हैं कि 31 हैं कि 32 हैं। ये सब क्या है? ये सब डिवीजन है। तो क्या हम उस डिविजिव सिचुएशन, डिविजिव राष्ट्र को देख के हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई स्वतंत्रता का डेफिनेशन एट ऑल है। अब वो सारी की सारी चीजों को हम अपनी कॉलोनी में लेके आ जाएं, अपनी कंपनी में लेके आ जाएं, मेरे को नहीं मालूम है यहां पे डिवीजन किस तरीके के हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग आपस में देखोगे, आपस के व्यवहार को देखोगे, तो वो डिविजन्स आपको दिखाई दे जाएंगे। आज ही सुबह मेरी गणेश जी से बात हो रही थी, मैंने इनको कहा अपने रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आप लोगों ने बहुत सारों ने स्कूल में भी पढ़ी होगी, इवन अदरवाइज पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या रविंद्रनाथ बोलते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हमारा सारा का सारा कंसेप्ट फियर के ऊपर बेस्ड है। हम पुलिस वाले के सामने डट नहीं सकते फियर, हम पॉलिटिशियन के सामने, नेता के सामने डट नहीं सकते फियर, हम अपने बॉस के सामने डट नहीं सकते फियर। मैं अगर मेरे बॉस को अपोज कर दूंगा तो मेरी ग्रेडिंग बी पता नहीं सी हो जाएगी क्या, मेरे तो इंक्रीमेंट, मेरे तो प्रमोशन खत्म हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ फियर डज एग्जिस्ट इन टूडेज ओसीएल। कैन वी रिमूव दिस फियर, और अगर हम ये कर सकते हैं कम से कम टू दैट एक्सटेंट, ओसीएल में तो वो हम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, तो हम फ्रीडम के गाने तो जरूर गा लें, और उन गानों के साथ साथ हम झंडा भी कल फहराया जाएगा, पर उसके साथ साथ अपना मन हम इस तरफ किस तरह से ला सकते हैं, बदल सकते हैं, सोच सकते हैं, मेरी समझ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। थैंक यू।